म्यूजिक इज कम्युनिकेशन, कोई हम डेड चीज से थोड़ी बात कर रहे हैं, मरे हुए स्ट्रक्चर से थोड़ी हम लोग, हमारे वार्तालाप चल रही है कि स्वर स्वर आधार पे ही है ना। स्वर क्या है? स्वर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा है स्वर को? देखा किसी ने स्वर को? आकार लहक डगर धुरन मुरन कंपित आंदोलन हुदक, आकार मतलब आ की आवाज, अब आ नहीं, नाक निजल नहीं आना है फिर, आकार आकार में भी तीन है, साकारंग मतलब स्वरों के नाम से गाने का मतलब साकारंग साकार हो गए, ईकार उकारंग नू जितना भी हम लोग नेचुरल गा सकते डागर वाणी में, अब वो अलग तरीके से ये हमारे यहाँ फॉल्ट माना जाता है, इस तरीके से आकार। पहले मैं लहक के बारे में, जैसे वो हम लोग जब मध्यलय में आ गए थे जिसको जोड़ बोलने लगते हैं, गाने में जोड़ नहीं लगते, वाद्य में जोड़ लगता है, गाने में मध्य अंग होता है, मध्य लय होते हैं या वेदांग बोलते हैं उसको, जैसे लहरें ऊपर नीचे आती हैं, आकार लहक डगर डगर मतलब फ्रेजेस क्रिएट करना, रे हमने टारगेट बना लिया, साइलेंस भी आपको उस नोट पे लेके चली जाएगी, रे आ रही। अभी अनहद नाद यही है आपके मनों में, आपकी जो आ रहा है, वहां पे नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, अभी आंदोलन कंपित हमारी है, वो नहीं है, आलाप में ध्रुपदी में रे
आंदोल लग रहा है, आंदोल बहुत ज्यादा नहीं और आंदोल एकदम एब्रप्टली नहीं रुकता है, तो कंपित पे जाके खत्म होता है। आंदोल गमक गमक जो अब गम, फिर इसमें हमारा उदक है और पावरफुल निकलती है। राग कितना बड़ा होता है असल में, कितनी देर में? 5 सेकंड में खत्म हो जाता है राग। बड़ा सा बड़ा 10 सेकंड में, जिसके अंदर बहुत सारे स्वर लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं उसको खत्म होने में। ये हो गया। नीरे ग ये स्वरूप नहीं बताया मैं तो पूरा उसकी। नीरे ग सानी कितनी देर? 5 भी सेकंड नहीं लगे इसमें, तो इतना ही है बड़ा राग। अब ये आप हम सब जो है उसको बड़ा करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसको बड़ा करते रहते हैं हम, उसको जितना निहारते रहते हैं वो उतना ही बड़ा होता चला जाता है।